अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम बिलाल भट्टी है लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +9232142994994। व्यूअर्स, आज हम आपको DHA लाहौर फेज 9 टाउन का 360 वर्चुअल टूर दिखाएंगे। इसे आपको इसकी जो है लोकेशन का और इसके इर्द गिर्द में कौन सी सोसाइटीज़ हैं वो आपको सारा आइडिया होगा। इसकी एक्सेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये बिल्कुल, ये भी आपको जो सर्कल से नज़र आ रहे हैं ना, ये फेज 6 है। ये इधर से इसका मेन रोड आ रहा है और ये बेदियां रोड है। ये बिल्कुल, ये जो 120 फुट रोड आ रहा है ये 9 टाउन का है। ये 9 टाउन का ए ब्लॉक है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह ही ये ए ब्लॉक चल रहा है, इसी तरह ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, इसके बिल्कुल अपोजिट ये बी ब्लॉक है। इसी में से गुजर के आपको पता है कि ये प्रिज्म में जाते हैं, ये ए ब्लॉक आ जाता है, ये क्यू, इसी तरह क्यू डी तक जाता है। व्यूअर्स, हम आज आपको ए ब्लॉक का दिखाएंगे 360 विजुअल टूर। तो ये आपको जूम करके थोड़ा दिखा रहे हैं इसका, ये इसका बिल्कुल एक 120 फुट रोड है। ये बड़ा क्लियर व्यू नज़र आएगा आपको ना। ये ग्रेड स्टेशन आ जाता है, ये इसके साथ साथ सी के ई के साथ साथ जो बिल्कुल ये रोड चल रहा है। ये पहले इसकी बाउंड्री को आपको दिखा देते हैं। ये बिल्कुल बैक एंड की जो नंबरिंग है 1498 नंबर जो है वो इस टाइम, ये बिल्कुल ये आ गया। इसके साथ इसके पीछे आ जाता है इसके 11 के फ्लैट्स आ जाते हैं और ये इसका डिवाइडेड रोड आ जाता है। ये 8 मरला की कटिंग है सारी। नंबरिंग को अगर हम डिस्कस करें तो 1795 से लेकर 1824 तक की, यहाँ से 1797 और ये 1824 तक की ये नंबरिंग है। ये डिवाइडेड रोड आता है इसका ए और सी का, ये वाला। ये पहले यहाँ पे नॉन पोजेशन प्लॉट थे, अभी ये रोड सारी कारपेट हो चुकी हैं। ये यहाँ तक ये पोजेशन प्लॉट्स हैं अभी। इन्होंने आपको पता है पिछले दिनों में ये कटिंग भी नहीं ऐड की थी। ये एक बड़ा अच्छा आपको 360 व्यू दिखा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते या टाइम उनके पास कम होने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये एक्चुअली हमने ये 360 वर्चुअल टूर जो है ना उनके लिए बनाया, उन लोगों के लिए कि वो उनको बेहतर से बेहतर हम गाइड कर पाएँ और वो घर बैठे ही जो है ना इसका विज़िट कर लें। डिटेल में इसका बड़ा डिटेल में विज़िट है ये देखें, और बड़ा जूम इसमें जितना मर्ज़ी आप जूम कर लें। कि अगर हम प्लॉट प्राइसेस की बात करें तो व्यूअर्स, इसकी 5 मरला के जो प्लॉट प्राइसेस हैं 55 से लेके 85 लाख रुपए तक है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। लाइक ये जिस तरह ये वाला जो भी पोर्शन है ये ग्रेवयार्ड है, ये ग्रेवयार्ड है। इसके करीब करीब इन जगहों पे अगर आपको कोई प्लॉट मिलेगा तो वो कोई 55 के अराउंड मिलेगा। अगर आपने 85 लाख रुपये के प्लॉट की बात करें तो ये पार्क है इसका, ए ब्लॉक का ये पार्क है। कॉर्नर लाइक या इसके बिल्कुल सामने या यहाँ पे ये वाले जो प्लॉट्स हैं 1 से लेके 7 की जो नंबरिंग है मेन रोड की, यहाँ पे मेन रोड पे अगर आपको प्लॉट लेंगे तो वो आपको 85 लाख रुपए का मिलेगा। एवरेज प्लॉट अगर हमने लेना है तो वो हमें कुछ 70 से 75 की ब्रैकेट में मिलेगा। लाइक इस तरह ये वाली पट्टियाँ हैं, ये इसके फ्रंट हो गया, बैक हो गया या 50 फुट रोड के ऊपर हो गया। ये ए ब्लॉक का 50 फुट रोड है, यहाँ पे आपको 75 तक या 70 से 75 के बिटवीन 50 फुट रोड पे तो नहीं मिलेगा, इसकी बैक पे मिल जाएगा ब्रैकेट में। अगर आपने 75 का प्लॉट लेना तो वो 50 फुट रोड पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये जो फ्रंट लाइन है ये वाली बिल्कुल, ये 120 फुट रोड के ऊपर 10 मरला के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे आपको कोई प्लॉट मिलता है 25-30 से लेके 35 तक आपको 8-10 मरले का प्लॉट मिलेगा। 10 मरले की बिल्कुल इमीडिएटली बैक जो है वो है 8 मरले प्लॉट्स की, वहाँ पे आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं वो कोई 95 से लेके 1.5 करोड़ तक, ये वाली पट्टी में भी। और इसी तरह ही बिल्कुल एंड पोर्शन पे जगह अगर हम जाते हैं ना तो यहाँ पे जो फेसिंग अस्क्री हैं वो प्लॉट महंगे हैं। इसकी बैक साइड पे जो फेसिंग 5 मरला 8 मरला प्लॉट्स आ जाते हैं वो सस्ते हैं यहाँ पे। ये ए ब्लॉक के हमने 8 और 10 मरला को भी डिस्कस कर लिया। इसी तरह इसमें एक पट्टी दरमियान में है 8 मरले की, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
ये वाली पट्टी आ गई है, ये वाली पट्टी है 10 मरले की, 8 मरले की सॉरी पट्टी आएगी। ये वाली पट्टी जो है ये 8 मरले की है, इसमें भी इसी तरह ही है, 95 से लेके 1.5 करोड़ तक यहाँ पे भी प्लॉट आपको मिल जाता है। इसमें ये देखें टैंकी बन गई है, इसमें मस्जिद का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद आपको एक कमर्शियल का भी व्यू दिखा देते हैं इसमें, ये देखें ये कमर्शियल एरिया है ये वाला, यहाँ पे ये जो है ये 4 मरला कमर्शियल है ये वाली पट्टियाँ भी। और उसके बाद जो है ये जो मेन पे है ये 8 मरला कमर्शियल है फ्रंट और बैक। इनकी हम अगर प्राइसेस को डिस्कस करें तो 8 मरला कमर्शियल कोई 3 करोड़ 75 लाख से लेके 4 करोड़ 50 लाख रुपए तक आपको 4 मरला प्लॉट मिल जाता है यहाँ पे कमर्शियल। 8 मरला 8.5 करोड़ से लेके 9.5 करोड़ रुपये तक आपको मिलता है इन जगहों पर। व्यूवर्स ये देखें ये 4 कमर्शियल यहाँ पे बन चुके हैं, 2 फुली रेडी हैं और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक ये वाला कमर्शियल और एक ये वाला कमर्शियल। व्यूवर्स एक आपको इसका ही ए ब्लॉक का एक आपको और करीब से व्यू दिखाते हैं, इससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यही कमर्शियल आ गया, ये देखें इसको जितना मर्जी और जूम कर लें आप, ये 1, 2, 3 और ये 4 कमर्शियल आ गए। जूम आउट करते हैं, इसमें आपको फिर एक मेन से स्टार्ट करते हैं व्यू दिखाना। यही वो ये ग्रिड स्टेशन आ गया, ये टैंकी आ गई, ये पार्क आ गया। इसमें इन्होंने प्लेग्राउंड भी दिया है, 2 पार्क्स हैं, ये पहला पार्क है। उसके बाद अभी आपको हम प्लेग्राउंड दिखाते हैं, ये वाला जो है ये प्लेग्राउंड है, इसका जो दूसरा पार्क है वो भी हम अभी आपको दिखा देते हैं इसका। वो ये जगह पे है, ये ग्रेवयार्ड है और ये पार्क की जगह है, क्योंकि थोड़ा वो ये पार्क है, वो काफ़ी जूम उसमें था वो आपको सही समझ नहीं आनी थी। ये दूसरा पार्क है, ये पार्क 18 कनाल का है। इसी तरह ये जो प्लेग्राउंड अब मैं आपको बता रहा था ये 10 कनाल का है, और ये वाला जो है ये भी 10 कनाल का है। इसके साथ मस्जिद की जगह इन्होंने छोड़ी हुई है, सेक्टर शॉप की है, टैंकी है, मतलब हर ब्लॉक में जो भी ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और व्यूवर्स ये जो जगह है ये पंप के लिए इन्होंने जगह मैप पे तो मेंशन की हुई है, इन फ्यूचर यहाँ पे पंप बनता है नहीं बनता यहाँ पे ये अपना प्लान चेंज करते हैं। ये तो ये DHA की अपनी पर्सनल जो है मतलब प्लान्स हैं, वो तो इतना हमें नहीं बताते। खैर व्यूवर्स यही ए ब्लॉक का व्यू है, ये ई ब्लॉक इसके साथ आ जाता है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम आपको एक दूसरे ब्लॉक की भी जो है वीडियो दिखाएंगे। तो इसी तरह व्यूवर्स आप हमारे जो है वेबसाइट लाहौर रियल एस्टेट वहाँ पे जाके आपकी प्रोजेक्ट्स का भी जो है 360 वर्चुअल टूर देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें चैनल, और इसको जो है कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।